मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तेज हुई पुलिस की धरपकड़, ग्रामीण में बढ़ाए टेस्ट व सुविधाएं, टेस्ट से 5000 ट्रकों के पहिए थमे। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। तेज हुई पुलिस की धरपकड़, लॉकडाउन के बावजूद शहर में हो रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस विभाग ने अपनी धरपकड़ तेज कर दी। अपराधियों की निगरानी के साथ ही उन पर कार्रवाई की जा रही है। शनिवार की रात पुलिस ने अलग अलग इलाकों में गश्त के दौरान 4 टोलियों को डकैती की तैयारी में गिरफ्तार किया है। गणेशपेट पुलिस ने शनिवार की रात गश्त के दौरान 2 गैंग को दबोचा। रात 10 बजे के दौरान बस स्टैंड के समीप पुलिस ने गुजरवाड़ी निवासी मंगेश राधेश्याम राउत, राकेश मोरेश्वर पेटकर, अजय धनी राम शेंद्रे और कांजी हाउस चौक कॉटन मार्केट निवासी सागर मुन्ना लाल गौर को दबोचा है। उनका साथी अकबर शेख सलीम शेख भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की तलाश ली तो रॉड, रस्सी, मिर्ची पाउडर और पेचकस बरामद हुआ। रात 1 बजे के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि एम्प्रेस मॉल के समीप कुछ असामाजिक तत्व लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में जमा हुए हैं। तो वही दूसरी ओर ग्रामीण में बढ़ाए टेस्ट व सुविधाएं, जिला अधिकारी ने दिए निर्देश, अस्पताल में बेड व ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराए। जिले के ग्रामीण भागों में बढ़ते कोरोना मरीजों के मद्देनजर तहसीलों के अस्पताल के साथ निजी अस्पतालों में बेड व ऑक्सीजन बेड की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश जिला अधिकारी शैलाश नवाल ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि तहसीलों में नई व्यवस्था करना जरूरी है। सभी कोविड केयर सेंटर की क्षमता जाँच कर वहाँ जरूरत के अनुसार बेड बढ़ाए। ग्रामीण भागों में जाँच बढ़ाने व रैपिड एंटीजन किट उपलब्ध कराई जाए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। तो वही तीसरी ओर टेस्ट से 5000 ट्रकों के पहिए थमे। राज्य सरकार व केंद्र ने ट्रांसपोर्ट की अनुमति दी है लेकिन दुकान बंद होने से उत्पादन ठप है। लॉकडाउन में केंद्र और राज्य सरकार ने ट्रांसपोर्ट को यातायात की अनुमति दी है लेकिन देश के अधिकांश राज्य में और महाराष्ट्र में दुकानें बंद है और उद्योगों में उत्पादन ठप है। कृषि उपज मंडी समिति बंद है। इस कारण समूचे देश में 80% माल यातायात बंद है। इसका झटका अमरावती के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को भी लगा है। 14 अप्रैल की रात 8 बजे से पहले कार्ड निर्बंध और बाद में अमरावती जिले में कड़ा लॉकडाउन घोषित हो जाने से लगभग 5000 ट्रक यहां के वलगांव रोड पर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक का ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।